नगर निगम रतलाम जावरा नगर पालिका व आलोट नगर परिषद नावली नगर परिषद के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और विनियमित कर्मचारियों ने आज रतलाम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद के लगभग 20,000 रिक्त पदों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक व्यापम भर्ती आदेश जारी किया है, जिससे नाराज होकर जिले भर के दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारियों ने सरकार की इस व्यापम भर्ती के विरोध में ज्ञापन दिया। अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि हम सालों से काम करते आ रहे हैं और हमें हर बार आश्वासन दिया गया कि आपको नियमित किया जाएगा, और मध्य प्रदेश में जो व्यापम भर्ती का आदेश दिया है इसमें हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम लोगों का हक मार रहे हैं, शासन के लोग हम कई सालों से काम कर रहे हैं, अब व्यापम भर्ती आदेश से हम दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, हमारी भर्ती नहीं हो रही है। भारती न्यूज। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि नगर पालिका निगम और नगर पालिका नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वो व्यापम के माध्यम से वहाँ भर्ती करने जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं जो योग्यता रखते हैं लेकिन उनका यहाँ से सीधी भर्ती से उनका नियुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि व्यापम से जो भर्ती कर रहे हैं यहाँ के लोगों का हक मार रहे हैं, वो जो वर्षों से काम कर रहे हैं, हम इसके विरोध में हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आ रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या आगे क्या करेंगे? आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।